पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। और भी लोग क्या क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा, ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर भी है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ, आज अचानक क्या वापसी होगा, आज अचानक क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का, ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई जी, आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर, हुआ क्या, नहीं खाली करने का, हुआ क्या, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं, मेरे मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही, बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है, यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है, ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है, ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 7 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है, ना गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे, और आएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, नोट वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा, ये अत्याचार है, ये बताओ जो पुलिस अत्याचार है, क्या बोला पुलिस को, पुलिस को ना धोखा करी, पुलिस प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया, मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे, यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के